मतलब MRP पे 5% लेस है, टोटल काम में 10% लेस, और जो जेन्युइन प्रोडक्ट लगेगी उस पर 5% लेस। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ क्रेटा। क्रेटा हमारी बेस्ट वेरिएंट रहने वाली भाई, पूरी वो गाड़ी खुली उली हुई है, बहुत सारा इसमें काम हो रहा है। तो एक बार चलते हैं मोहित भैया के पास, वो बताएंगे गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है, फिर हम आपको दिखाएंगे वीडियो पूरा डिटेल में, क्योंकि गाड़ी का काम जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। सलाहकार मोहित भैया यहाँ पे मिलेंगे। मोहित भैया क्रेटा में आज क्या कर रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बैक साइड में आपका रिफ्लेक्टर, ठीक है, और सेंट्रल लाइट चल रही है आजकल वो, ठीक है। उसके बाद क्रोम फिनिश में लोअर गार्निश, और उसकी फ्रंट विंड का क्रोम, हाँ जी, रूफ रेंज, ठीक है, शार्क फिन एंटीना, हाँ, वेलकम प्लेट जी, मोस्टर लाइट, ठीक है। मतलब अगर एक भैया मोटी मोटी बात करें तो बेस वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट इसको आप बना रहे हो? मोस्टली हम पहले करवा चुके हैं मेरे से, हाँ जी, सिस्टम सिस्टम का बाकी बचा हुआ जो सामान था वो आज लग रहा है, ठीक है। बेस मॉडल ये आई थी, पहले थोड़ा काम हुआ था, बाकी काम आज, ठीक है। अच्छा भैया एक चीज़ और, जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ लाइट है बेस वेरिएंट की है, तो अगर कोई आता है जिसकी लाइटें चेंज करवाने के लिए तो वो भी मिल जाएंगी? वो अवेलेबल है। चलो फिर चलते हैं, एक बार गाड़ी का काम दिखाते हैं आपको। पहले देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें हमारे जो बम्पर खुला हुआ है, इसमें हमारे जो फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन हो रहा है। इसके अलावा जैसे भैया बता रहे हैं भाई, LED वगैरह भी इसमें हमारी जो है लगने वाली है। तो भाई पूरी आपको जो है डिटेल वीडियो में दिखाने वाला। उसके अलावा जिस भाई को भाई इसकी जो टॉप मॉडल वाली आपको पता है लाइट आती है, ये बेस मॉडल वाली लाइट है, तो वो भी जैसे भैया बता रहे हैं भाई यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो वो भी आप करवा सकते हो। तो एक बार अंदर की साइड चलते हैं, क्योंकि अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो एक बार हो जाए फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अंदर की साइड चलते हैं, मतलब गाड़ी के अंदर तो दिखाते हैं भाई क्या क्या काम हो रहा है अंदर साइड। अभी आप देख सकते हो बेस वेरिएंट रूफ रेल वगैरह नहीं आती, वो भी भैया इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। गाड़ी बिल्कुल नई है, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं एक बार, देखते हैं भाई क्या क्या काम चल रहा है। कंट्रोल इंस्टॉल हो चुका है, ये हब वगैरह कर दिया भाई इसमें, चेंज होता है ना हब? नहीं भैया इसमें नहीं होता। अच्छा इसमें नहीं होता, सिर्फ मारुति की गाड़ी में होता है। अच्छा मारुति की गाड़ी में खाली हब की प्रॉब्लम आती है भाई, तो सही है, ईजी इंस्टॉलेशन वगैरह है। उसके अलावा ये ब्लॉक पंखा स्टीरियो डाला भैया आपने? ब्लॉक पंखा स्टीरियो डाला है। और इधर वो जो डंडी वगैरह रहती है उसको हटा रहे हो क्या भैया? वो चीज़ मिरर चेंज हो रहा है। अच्छा मिरर चेंज अभी करने हैं, कर दिए? अभी करने हैं, अभी करने हैं। तो मतलब ऑटो फोल्डिंग कर रहे हो इसको आप? ऑटो फोल्डिंग हो रही है। तो भाई मतलब सारे सारे इसमें जो है काम मेजर करवा रहे हैं। बाकी क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है, भैया नहीं करवा रहे, बट क्रूज़ कंट्रोल अगर जिनको करवाना है वो अपनी गाड़ी में चीज़ें करवा सकते हो। सारी क्रेटा की जो एसेसरीज जेन्युइन एसेसरी अवेलेबल है, ये देख सकते हो भाई हुंडई की जेन्युइन एसेसरी अवेलेबल है यहाँ पे। उसके अलावा भी सीट कवर भी चेंज होंगे? अच्छा कर दिए इसको? कर दिया सीट कवर। अच्छा सीट कवर कर दिए, ऊपर पन्नी वन्नी डाल दी कि भाई गंदे ना हो, ठीक है भाई। तो अभी हमारे जो स्टीयरिंग कंट्रोल का काम यहाँ पे चल रहा है, उसके चलते हैं बाहर की साइड, देखते हैं पीछे क्या हो रहा है। मैं रिफ्लेक्टर लगा रहा हूँ, डीजल लाइट रिफ्लेक्टर। अच्छा रिफ्लेक्टर लग रहे हैं, तो पीछे वाले ये नहीं डाल रहे इसमें? अच्छा पिलर लाइट नहीं डल रही, बाकी है ना, अवेलेबल है ना अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है भाई। पिलर लाइट जैसे आपने देखी होगी वो मिल जाएगी अगर किसी को चाहिए। बाकी रिफ्लेक्टर डल रहे हैं, कौन से रिफ्लेक्टर डाल दिए कि अभी क्या कनेक्शन है? अच्छा डल चुके हैं, एक बार देखते हैं भाई। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? देख सकते हैं हमारे रिफ्लेक्टर लग चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। रिवर्स भी आता है। अच्छा रिवर्स भी आता है, ब्रेक 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 लगा के दिखाओ ना, ब्रेक मार के दिखाओ जरा, निशुल्क स्टार्ट, ब्रेक मारो भाई, ये ब्रेक मारते हुए, हाँ ये देखो हमारे, ठीक है भाई। इंडिकेटर चारों प्रेस करते हुए दिखाओ भाई, अब ये रनिंग करते हुए, ठीक है भाई। ये हमारी हजार्ड लाइट ऑन हो गई, इंडिकेटर नीचे नहीं आ रहा, ठीक है भाई। अच्छा इसमें नीचे इंडिकेटर नहीं क्या भैया? रिवर्स लगाया हुआ है ना, रिवर्स हटाओ। अच्छा रिवर्स हटाओ भैया, ये अब आया मजा, पूरा आनंद आया, अब आया पूरा आनंद। ये देखो भाई पीछे हमारे इंडिकेटर भी चल रहे, रिवर्स भी चल रहा है, और जो है ब्रेक लाइट भी चल रही है। और ये देखो हमारे साथ जी हैं, फूल पत्ती लगाते हुए। अच्छा लगाओ भैया फूल पत्ती लगा के, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये शार्क एंटीना नहीं डाल रहे भैया?
4 घंटे का है क्योंकि वो तो एक बहुत ही एक आजकल लुक वाली चीज़ हो गई है उसकी। तो ये आप देख सकते हो हमारे मोनू भैया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भैया? इसकी टॉप मॉडल वाली शैशे लगानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो इधर लगती है वो डंडी डंडी हटा दी है, डंडी वंडी सब हटा दी, मिरर भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा मिरर चेंज कर दिया आपने, ऑटो फोल्डिंग हो गया हमारे, सही है भाई। उसके अलावा हमारे इधर वेलकम लाइट भी लग चुकी है, कनेक्शन देना है। और बाकी भैया ये कर रहे हैं भैया, हमारे ट्विटर वगैरह लग जाएंगे, ऑटो फोल्डिंग इसमें हमारे मिरर लग चुके हैं, तो बिल्कुल जो टॉप मॉडल इसमें जो 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 चीज़ें मेन मेन वो हो रही है। बट कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया इसकी हमारी लाइट वगैरह भैया ने नहीं कराई, और क्रूज़ कंट्रोल भैया ने नहीं कराया क्योंकि उनको इतना यूजेस नहीं है। बाकी जैसे मैंने पहले बताया भैया, अगर आपको ये सब चीज़ें करानी तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इधर हमारे जो इंस्टॉलेशन वगैरह चल रहा है, तो भाई इसमें कोई कंपनी की तो नहीं वायर वायर कट होती? जो इसमें कोई कंपनी की वायर नहीं होती, सारी वायर अपनी डलती है। अच्छा, आपकी अपनी डलती है ये सारी, मतलब आपकी अपनी वायर है? हाँ जी, अपनी वायर। ठीक है, बाकी ये पूरा पूरा जो मिरर चेंज ही हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, पूरी अपनी वायरिंग डलती है, इसमें कंपनी कोई वायरिंग नहीं देती मिरर की। अच्छा अच्छा, इसलिए हमें अपनी बनानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तो यहाँ का भी इशू कोई नहीं है। बाकी वहाँ का भी बता दिया आपको, माउंट कंट्रोल का भी बता दिया, पीछे का भी मैंने आपको बता दिया, रिफ्लेक्टर्स वगैरह का। क्योंकि मेन जो इशू आता है, सुनने को आता है भी वायरिंग तो नहीं कट होगी, तो भाई आपके सामने देखो सारा काम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सो देट कि भाई कोई डाउट हो आपके मन में, डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी बार यहाँ जो इंस्टॉलेशन वगैरह चल रहा है, तो एक बार हमारा काम कम्प्लीट हो फिर आपको मैं ओवरऑल दिखाऊँगा किस तरह का जो है रहने वाला है। आ रहे भैया दिखाओ पहले। अच्छा, वेलकम लाइट। अच्छा, अभी इस साइड लगनी है, उस साइड लग गई है ना? हाँ, उस साइड लग गई है, इसकी कनेक्शन बन रहा है। अच्छा अच्छा, दिखाना भैया एक बार, ये देख लो भाई। तो अभी देखेंगे इसको, काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी वेलकम लाइट से। बाकी अभी हमारे वहाँ चल रहा है कनेक्शन, वहाँ क्या कर रहे हैं भैया? वहाँ पे फोल्डिंग मिरर का कनेक्शन। अच्छा, फोल्डिंग मिरर का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। नहीं भूल गया, बहुत ज़रूरी वॉइजर लग चुके हैं हमारी गाड़ी में, वॉइजर लगे हुए हैं। उसके अलावा ये हमारे क्रोम का काम हो रहा है यहाँ पे। तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी कर देगा क्रोम। बाकी भैया ने पता नहीं क्रोम वाले वॉइजर क्यों नहीं लगवाए, और अच्छा लगता भाई वॉइजर में क्रोम होता। उसके अलावा यहाँ भी क्रोम का जैसे यूज़ करवा ही रहे हैं, तो भाई एक बार आपके सामने इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा भाई विदाउट क्रोम विद क्रोम कितना जो लुक में डिफरेंस आ जाता है। देख लो भाई एक बार हमारे इंस्टॉलेशन लग रहा है, इस पर क्रोम इंस्टॉल हो रहा है। बाकी ये पन्नी वगैरह एक बार आपको हटा के दिखा देंगे, सो दैट आपको भाई पता चले एकदम ही लुक ना बहुत बढ़िया हो जाती है गाड़ी किससे। ये देखो भैया ने पन्नी वगैरह हटा दी है भाई, बिल्कुल देखो डिफरेंस आप देख सकते हो भाई। ये हमारे ये सिंपल रहने वाला है, और ये हमारा क्रोम के साथ है भाई। देखो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है, ये कहते हैं ना भाई, बिल्कुल चेंज कर देती लुक को, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा आउटपुट जो है आ जाता है। तो भाई मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, हमारा क्रोम वगैरह लग चुका है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एक रूफ रेल की कमी रहेगी, अगर रूफ रेल हमारी हो जाए ना तो भाई बिल्कुल गाड़ी अच्छे तरह से फुली लोडेड हो जाएगी। उसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और दिखाना भूल गया, ये देखो भाई भैया ने जो है ये देख सकते हो एलॉय भी लगवाए हैं, जो कंपनी से मिलते हैं टॉप मॉडल में, वो वाले एलॉय करवाए हैं गाड़ी में। पार्सल ट्रे डालने जा रहे हैं भैया, ये हमारी हुंडई की बिल्कुल जेन्युइन है, ये देख सकते हो भाई हुंडई, आपको दिख रहा होगा जेन्युइन पार्ट्स लिखा हुआ इस पर पूरा, इस पर बार कोड वगैरह सब है। तो भैया एक बार इंस्टॉल भी करा के दिखा देना भाई, हम देखें पार्सल ट्रे इसकी। और जैसे आपको पता है बेस मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं आती है, तो भैया इसमें इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ एक बार, देख लो भाई बिल्कुल हमारी ये हुंडई की जेन्युइन जो है रहने वाली पार्सल ट्रे। एक बार डिक्की बंद करके दिखाना भैया, चेक कराना ज़रा, ठीक है। और एक बार फिर से खोलना और ये देख लो एक बार, इस तरह की रहने वाली हमारी बिल्कुल जेन्युइन पार्सल ट्रे। जो गाड़ी का अधूरा बन है साइड से जो मैं कह रहा था, वो बस ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रूफ रेल जो है हमारी इंस्टॉल होने वाली है, जेन्युइन रहने वाली। ये भी आप देख सकते हो भाई, अभी भैया ने खाली रखी है, क्योंकि इसका एक बार फिट करने से पहले एक बार प्लेसमेंट चेक करते हैं भी सही जगह पे लग रही है कि नहीं लग रही बिल्कुल। तो बस हमारी रूफ रेल इंस्टॉल हो जाएगी, फिर मैं आपको एक बार पूरी जो है साइड प्रोफाइल दिखाऊंगा अच्छे तरह से। मैं आपको दिखाता हूं भाई, यहां जो टॉप मॉडल वाली ग्रिल ना पूरी चेंज करने की जरूरत नहीं, एक भैया चीज़ बहुत सही है दिखा रहे हैं, ये देखो इधर क्रोम वाली ग्रिल जो है ऊपर ऊपर लग जाएगी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको जो पूरा जो है ग्रिल चेंज कराने की, बिल्कुल ये टॉप मॉडल वाली जो है फील आएगी। अभी ग्रिल की अभी इंस्टॉलेशन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, ये देख लो आप इस तरह की जो है हमारी इसमें इंस्टॉल हो जाएगी इस तरह की, जो हमारी ये पूरा जो हमको मिलता है ना, हाँ नहीं मतलब ये जो एरिया मिलता है ना क्रोम वाला हमको, उसमें टॉप मॉडल में मतलब वही चीज़ बन जाएगी, टॉप मॉडल वाली ग्रिल बन जाएगी बिल्कुल, मतलब पूरी ग्रिल चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज़ सही है। तगड़े तगड़े जुगाड़ लेके आ रहे हो भैया आप, सही लेके आए जुगाड़, टॉप मॉडल ग्रिल वाला, ये देख लो भाई इसमें फिक्स हो गई,
और अभी फिक्स हो जाएगी बिल्कुल, ये टॉप मॉडल वाली ग्रिल बन जाएगी भाई, ये जुगाड़ सही है भाई। ये देखो जुगाड़ भाई ने बना दी, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फ्रंट ग्रिल बना दी बिना चेंज करे ऊपर क्रोम लगा के भाई। ये जुगाड़ मेरे को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगा है, सही किया ये। देख लो फॉग लाइट मैंने ऑन कर दी है, ये आप जैसे देख सकते हो भाई, ये हमारी रहने वाली 120 वॉट की आउटपुट, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आउटपुट है इसका। ये आप जैसे देख सकते हो भाई, स्कूटी वगैरह आगे खड़ी हुई है तो थोड़ी सी लाइट रुक रही होगी, बट आप देख सकते हो भाई पीछे तक जो है, पीछे तक वहाँ तक लाइट जा रही है। उसके अलावा 120 वॉट हमारी हेडलाइट में 120 वॉट है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई किस टाइप का आउटपुट रहने वाला है उसका। देख लो भाई, अब हमने इधर भी जो हमारे जीवा की लगी है एलईडी, और यहाँ भी जीवा की एलईडी लगी है, आप जैसे देख सकते हो भाई काफ़ी ब्राइट है मेरी आंखों में बड़ी लाइट, और काफ़ी जो इसका आउटपुट बहुत बढ़िया। एक बार फिर से मैं अब आपको हेडलाइट का भी रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, देख सकते हो भाई काफ़ी दूर तक ये लाइट जा रही है, तो काफ़ी जो अच्छा रिस्पॉन्स रहने वाला है जीवा की लाइट का, काफ़ी ब्राइट लाइट है। प्रोफाइल देख सकते हो भाई, इस तरह की रहने वाली हमारी फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी जो बढ़िया लग रही है। और सबसे बढ़िया जो मेरे को भाई लगा, ये जो क्रोम वाला भैया ने ग्रिल वाला जो जुगाड़ किया ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ लगी, डिफरेंट है एरिया भाई। हमारे क्रेटा के वेलकम लाइट को कनेक्शन जल रही है लाइट, उसके अलावा अंदर हमारे भाई एटमोसफेयर लाइट लगने जा रही है, वन ऑफ माई फेवरेट ये देखो भाई, मॉल बना दिया बिल्कुल गाड़ी में, मॉल बन गया बिल्कुल, भैया ने फटाफट बंद कर दिया। ये भैया की फेवरेट गाड़ी क्रेटा था, स्टीकर खुद ही कर रहे हैं, ब्रांडिंग खुद ही कर रहे हैं, आप देख सकते हो भाई। भाई देख लो आ रखे राखा कार, और ये क्रेटा हमारी रेडी हो रही है, बस थोड़ा सा काम रहता है फिर मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाता हूँ, और तब तक चलते अंदर एक बार। ये नाई वाला में पड़ती है, यहाँ पे मिलेंगे वीरू भैया, सूरज अंकल, और ये मोहित भैया। उसके अलावा आप देख सकते हो भाई सारी आपको गाड़ी के एक्सेसरीज फुल रेंज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, गाड़ी में जो जो काम करवाना है। और एक बार भैया से बात करते हैं, वीरू भैया एक बार बताना टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? सुबह 9:30 से रात को कितने बजे? 10-11 बज जाते हैं। और 7 डेज ओपन रहते हैं या मंडे को ओपन? नहीं, मंडे ओपन है। कस्टमर आया जैसे, हाँ अच्छा, मतलब अगर कोई गाड़ी जैसे बुक है काम है ठीक है, मतलब काम पे डिपेंड करता है, कस्टमर का फोन आ गया ठीक है फिर मंडे ओपन कर देते हो। चलो ठीक है भाई, तो उसके अलावा चलते हैं, हमारी क्रेटा रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हो हमारी जो है अंदर लाइट, इसमें बल्ब चेंज हो रहा है, वाइट लाइट लग रही है ये देखो भाई। उसके अलावा जो लाइट पूरी चेंज हुई है, ये हमारी क्रेटा के टॉप मॉडल में हमको मिलती है सनग्लास होल्डर वाली, वो लगी है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा ये हमारी जो है पार्टी लाइट्स वगैरह लग चुकी है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी दिखाता हूँ, जो मेरे को पहले दिखानी चाहिए थी, गाड़ी में काफ़ी सारा काम हो रहा था तो गाड़ी में अब मैं आके बैठा हूँ भाई। एक चीज़ मैं आपको जो दिखाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, फ्लोरिंग जो कि मेरी हाईली रिकमेंडेशन होती है। उसके अलावा भैया ने ग्रास मैट डलवा दिए, क्योंकि फ्लोरिंग हो रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं रहती 7D की, बाकी आपकी चॉइस है, ये चीज़ बहुत अच्छा की है। बाकी फुली लोडेड हो चुकी है भाई क्रेटा, आगे हमारी क्रेटा की बैचिंग भी हुई है, एक बार बाहर की साइड चलते हैं, तब तक भैया अंदर काम कंप्लीट करते हैं। गाड़ी को जो थोड़ा सा आगे आपने एक चीज़ देखा होगा, ये क्रेटा की बैचिंग हो रखी है, जो कि भैया को मैंने आपका दिखाया था लगाते हुए, ये बहुत ही बढ़िया बना रही है गाड़ी को भाई, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी इससे। तो अब गाड़ी का काम कम्प्लीट हो चुका है, अंदर की साइड चलते हैं। ये हमारी लाइट ताली से चलती है, ये म्यूजिक के साथ भी चलती है ताली, भैया ताली बहुत बढ़िया बजा रहे हैं बिल्कुल म्यूजिक स्टाइल में, तो इसलिए रिस्पॉन्ड कर रही है। बाकी ये रहती है भैया रिमोट दिखाना इसका एक बार भाई, ये देख लो, तो सारा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये भैया ने पहले लगवा लिया था रिमोट कंट्रोल, आज लगवाया है? अच्छा आज लगाया है ठीक है। बाकी एंड्रॉयड पहले लगवाया था भैया ने? एंड्रॉयड पहले लगा था, एंड्रॉयड भी आज लगाया। अच्छा आज लगाए ठीक है। और स्पीकर? स्पीकर पहले लगे थे। स्टॉक है या आपने डाले थे, मतलब कंपनी के हैं आपने डाले थे स्पीकर? अच्छा कंपनी के हैं भैया इसमें स्पीकर जो गाड़ी में आपने? अच्छा कंपनी के स्टॉक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई एक बार देखते हैं भाई काम का क्या है, रिव्यू वगैरह देखते हैं भैया से लेते हैं, और एक बार तब तक गाड़ी में आपको दिखाता हूँ पूरी लगा है क्रेटा का। देखो इसमें पीछे कैमरा, रियर कैमरा, और अब गाड़ी भी एक बार पीछे से देख लो भाई, इस तरह की रहने वाली है। और उसके अलावा शार्क एंटीना जो मैं बात कर रहा था भाई, वो भी लग चुकी है, गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। साइड प्रोफाइल देखो भाई, इस तरह की आ रही है गाड़ी की साइड प्रोफाइल, उधर से दिखा दो, थोड़ी सी यहाँ जगह टाइट है। क्रेटा की वेलकम लाइट, और भाई अब चलते हैं गाड़ी के थोड़ा सा अंदर की साइड। बाकी स्पीकर जैसे भैया बता रहे भाई, स्पीकर स्टॉक रहने वाला है, स्पीकर में कुछ नहीं किया गया, पीछे जो उसमें रिंगिंग डाली गई थी बस, तो साउंड का कोई मतलब नहीं पता। बट हम ये जो है जो स्टेयरिंग कंट्रोल जो आपको दिखाने वाले हैं, और जो कैमरे का रिस्पॉन्स है, ब्लॉक पंखा हमारा एंड्रॉयड लगा है, कैमरे का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, तो एक बार लगाते हैं बैक गियर। ये देखो भाई, ये हमारा रहने वाला पीछे वाला कैमरा भाई, काफ़ी क्लियर कैमरा रहने वाला है ये,
HD कैमरा, कौन सा कैमरा डाला है भैया इसमें, कौन सा कैमरा डाला है इसमें भाई? क्लैरिटी देखो आप, ब्लो पंगा कैमरा रहने वाले, और अंधेरा फुल यहाँ पे, और भाई क्वालिटी आप देखो क्या जबरदस्त क्वालिटी है। अब माउंट कंट्रोल का भी आपको एक बार दिखा देते हैं भाई रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है। तो भाई इधर जो है हमारे वॉल्यूम आप देख लो भाई, प्रॉपर काम कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हो भाई थोड़ा सा मैं क्लोज आपको दिखा दो, तो ये देखो भाई थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देख लो भाई। तो वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, कम कर रहे हैं, कम हो रहा है, बट मैं साउंड इसलिए नहीं आपको सुना रहा क्योंकि स्पीकर स्टॉक है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी सीट कवर आपको दिखाता हूँ क्योंकि भैया ने पन्नी वगैरह पूरी चढ़ा ली भाई, क्योंकि गाड़ी में एक नई फील रहनी चाहिए। स्टिल मैं जितना कर सकता हूँ आपको दिखाऊंगा, और इंटीरियर के साथ मैचिंग हमारे सीट कवर रहने वाले हैं। के अंदर अगर हम चलते हैं तो देखो सबसे बढ़िया लाइट का जो है रिस्पांस है, उसके अलावा ये आप देख सकते हो भाई सीट कवर डले हमारे प्रॉपर बकेट फिटिंग। थोड़ा मैं भाई बोतल हटा दूं, नहीं जलानी, तो ये देख लो भाई पन्नी चढ़ी हुई है क्योंकि अच्छी तरह फिक्स हो रखी है तो हम हटाना नहीं चाहते। बट स्टिल बात करें तो फिनिशिंग आप देख सकते हो भाई, जितना मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग रहने वाली है। तो सारा काम रहने वाला क्रेटा में, एक बार भैया से बात करते हैं जिनकी गाड़ी क्या रिस्पॉन्स है काम के बारे में। क्रेटा देखो जैसे काफ़ी बढ़िया बन गई क्रेटा, भैया की बेस मॉडल लेके आए थे भैया। अच्छा आप भी हो साथ में भैया, आप भी आ जाओ इधर। अच्छा भाई आप तो भैया क्या कहना है काम के बारे में? ये काम बहुत बढ़िया, बढ़िया हुआ काम भाई की नाम से ही हम यहाँ पर आए। अच्छा राका भाई काम बढ़िया करते हैं। ठीक है ठीक है। तो भैया कहाँ से आए हो आप, दिल्ली से हो कहीं? अच्छा दिल्ली से हो आप। अच्छा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हो। तो भैया फर्स्ट टाइम आए या पहले भी, मतलब आप? नहीं मैं फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आया, नाम सुना रखा भाई। अच्छा नाम सुन के आए हो, ठीक है ठीक है, मतलब बिल्कुल खुश हो काम से, सेटिस्फाइड हो। तो कितनी देर लगी भैया गाड़ी को रेडी होने में बात करें तो? यार हम साढ़े पाँच पे आए थे। साढ़े पाँच आए हो और अभी हमारे मतलब 9 बज रहे हैं, हाँ 3-4 घंटे में गाड़ी जो है काफ़ी जो है आप देख सकते हो भाई काफ़ी बढ़िया रेडी हो गई है ना। तो एक बार भैया से भी बात कर लेते हैं, एक मिनट भैया। तो फिर एक बार फाइनल बता देना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं काम में, कोई शिकायत तो नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो काम करा जी? चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। जैसे क्रेटा का काम हुआ, थोड़ा कॉस्ट का आइडिया बता देना भाई, कोई अगर आता है इस टाइप का काम भैया, जिसमें भी हुंडई जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं तो MRP पे और उसके बाद उसको 5% लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब MRP पे 5% लेस है, जैसे कि मान लो मिरर पे MRP है 8600 का जो मिरर है दोनों, ओके तो 5% लेस मिलेगा। MRP है 1662, ठीक है ठीक है, 1662 की फॉग लाइट है उस पर 5% लेस हो जाएगा। ठीक है, सनग्लास होल्डर पे 4070, 4070 की MRP है उस पर सनग्लास होल्डर पे 5% लेस। ठीक है भैया, ऐसे ही आपका स्टीयरिंग कंट्रोल बेल्ट 1666, ठीक है कंट्रोल बेल्ट 1666, ठीक है, जितनी भी हुंडई की प्रोडक्ट है MRP होगी उस पर 5% लेस। ठीक है, बाद जो अदर प्रोडक्ट है जैसे चाइनीज वगैरह, वो टोटल काम जितना होगा उस पर टोटल 10%। अच्छा मतलब टोटल काम में 10% लेस, और जो जेन्युइन प्रोडक्ट लगेगी उस पर 5% लेस। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा भैया एस्टिमेट बता देना कि ये टोटल जैसे क्या? तो फिलहाल आज जो करा काम इस गाड़ी के अंदर वो लगभग 50,000 का काम है। हेडलाइट में LED डाली जी, हेडलाइट में LED रिले वायरिंग, साइड मिरर, उसका स्विच, उसकी रिले वायरिंग, वेलकम प्लेट जी, जी ब्रेल शार्पन एंटीना, क्रूज कंट्रोल, उसके बाद आपका डिग्गी लाइट जी, मास्टर लाइट, डोर गार्निश और क्रोम। तो एंड्रॉयड वगैरह जो इसमें लगा वो पहले से मतलब भैया ने लगा काम हुआ था उसमें हुआ था। उसके बाद आपके इसके अलॉय व्हील है, अलॉय व्हील इसके आपके जितने आप पढ़ते हैं 36,500, 31,500, ठीक है ठीक है। उसके बाद जो टायर आप डलवाते हो उसका ठीक है। तो भैया मतलब एक मोटी मोटी बात करें, जैसे जो अभी आज काम हुआ है जो कि हमको टॉप मॉडल में सब चीज़ें मिलती हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 90% टॉप मॉडल बन गई है कुछ काम जैसे लाइटें वगैरह छोड़ के, तो मतलब 50,000 में सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है भैया, थैंक यू भैया।